नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज़ में। रांची में बढ़ती हुई पानी की किल्लत पर झारखंड कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री से मिला है। तस्वीरें देखिए आप। दरअसल झारखंड कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल नगर विकास मंत्री CP सिंह के आवास पर पहुँचा और रांची में बढ़ रही पानी की किल्लत और लगातार रांची में जो तालाब हैं उन तालाबों में जो अतिक्रमण से वो तालाब सिकुड़ते जा रहे हैं, इस मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आदित्य विक्रम जायसवाल के नेतृत्व में झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग मंत्री CP सिंह से मिला। क्या कुछ कह रहे हैं आदित्य विक्रम जायसवाल, जो कि पूर्व प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, आप सुने। पहले तक रांची को तालाबों का शहर कहा जाता था। मुझे याद है कि 200 तालाब हुआ करते थे और आज हाथ में आप गिन सकते हैं कि 8 से 10 तालाब बचा हुआ है, जो कि मरने के कागार पे जिंदा तालाब को इन लोगों ने नगर विकास विभाग और नगर निगम मार चुका है। चाहे चुटिया में गोसाई तालाब का बात करें तो अतिक्रमण हो चुका है और रांची जो है आप हर एक वार्ड में पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और जनता परेशान है। मंत्री जी को जगाने हम लोग आए थे कि पानी की किल्लत को दूर किया जाए और तालाबों में जो अतिक्रमण हो रहा है उसे हटाया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जो है आंदोलन करेगी और सड़क पे उतर के एक भीषण आंदोलन करेगी। तो ये थे आदित्य विक्रम जायसवाल। इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री CP सिंह से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला है और रांची में जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, जो तालाब थे उन तालाबों का अतिक्रमण कर लिया जाता है और जिस तरह से पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, इन सारे समस्याओं को मंत्री के सामने पेश किया और कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं से जो नगर विकास मंत्री हैं उनको अवगत भी कराया है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो रांची शहर था ये पहले झीलों का शहर कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से तालाबों का अतिक्रमण हो गया है उसको लेकर जो नगर विकास मंत्री हैं CP सिंह, उन्हें उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना हमारा कर्तव्य था जो हमने करवाया है। अगर CP सिंह इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, रांची में पानी की बढ़ती हुई किल्लत को दूर नहीं करते हैं, तो हम इसे गंभीरता से लेंगे और इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, बिहार प्रदेश में भी जिस तरह से जल संकट बढ़ता जा रहा है और मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार को लेकर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस कर रही है, मदन मोहन झा ने भी यही बात कही है। आने वाले बिहार के मानसून सत्र में इन सारे मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है और झारखंड में भी जो झारखंड की समस्याएँ हैं उसको झारखंड कांग्रेस जो है वो पुरजोर तरीके से उठा रही है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर ज़रूर जाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।